अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैफ अली खान आज़ाद न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर है लंगर हाउस पीएस लिमिट से। लंगर हाउस पीएस लिमिट के राउडी शीटर अब्दुल बशीर के बेटे अब्दुल रऊफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया आसिफ पर हमला। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल रऊफ आसिफ के छोटे भाइयों पर जुल्म व सितम किया कर रहे थे, इसी के ताल्लुक से बात करने के लिए आसिफ इनके पास गए, जिसके बाद रऊफ ने आसिफ पर हमला कर दिया और ये शदीद जख्मी हो गए। फिर आसिफ ने लंगर हाउस पीएस में एक कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन 24 घंटे होने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, इस तरह का कहना है आसिफ का। अब पता नहीं, इसी तरह से अगर गुंडागर्दी चलती रहेगी तो आसिफ जैसे शरीफ लोगों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आसिफ अपने घर का बड़ा और जिम्मेदार लड़का है और इनके वालिद भी नहीं है। लंगर हाउस पुलिस को चाहिए कि आसिफ पर हमला वालों को जल्द से जल्द पकड़े और इन पर कार्रवाई करें। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आसिफ ने अजान न्यूज से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा। अभी तक आपने हमारे चैनल अजान न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि शहर से जुड़ी हर ताज़ा और अहम खबर आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम आसिफ है। रऊफ और उसके भाई मेरे पे अटैक करे। देखिए यहाँ पर ये कल रात में हुआ भैया, 9:30 को अटैक हुआ। मैं 9:50 को आके पीएस में कंप्लेंट करा। पीएस में 24 घंटे हो गए, अब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया ना, और उन्हें मेरे को बोल के जा रहा मेरा मर्डर कर देता हूँ बोल रहा, और क्या बोलते सो मेरे को मार देता हूँ करता हूँ बोल रहा, तू बच अब खाली बोल रहा। और उसके पूरा फैमिली बैकग्राउंड रॉडी शीटरों का है, उसके वालिद साहब की भी रॉडी शीटरी खुली हुई है लंगर हाउस पीएस में, उसके वालिद साहब भी मर्डर करे हुए। अब मेरे को बोल लेके जा रहा, तो खाली बच अब बोल रहा उन्हें, और मेरे को तेलंगाना हुकूमत से और होम मिनिस्टर साहब से के कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि मेरे को प्रोटेक्शन दीजिए, और लंगर हाउस पीएस सर्कल साहब से रिक्वेस्ट है कि एक्शन जल्द से जल्द एक्शन ले। उन्हें मेरे को बोल और खुला बोल रहा उन्हें कि मैं मार देता हूँ तेरे को बोल रहा उन्हें, मेरे भाइयों पे भी अटैक कर दे रहा, मेरे भाइयों को हेरेसमेंट कर रहा था उन्हें, तो मैं बात कर रहा हूँ उसके भाई से कई कर रहे ऐसा समझा रहा हूँ कर रहा हूँ, तो मैं अटैक कर दिया उसका रऊफ अटैक कर दिया मेरे पे। मैं बोल रहा हूँ भी उसको, खाली बात करना है रे भाई, बात करना है रे भाई, बोल तो सुन रहा नहीं उन्हें, अटैक कर रहा मेरे पे। झगड़ा करने की वजह क्या है साहब? मेरे छोटे भाई पे हरेसमेंट कर रहा था साहब। आपके छोटे भाई पे हरेसमेंट करे तो आप बात करने का? मैं बात करने का समझाने का उन लोगों को, बोलना सुन रहे नहीं मेरे पे, अटैक कर दे रहे साहब डायरेक्ट। तो आप कंप्लेंट करे साहब? हाँ, लंगर हाउस पीएस में कंप्लेंट कर दिया साहब। आपके पास जी? हाँ है। साहब यहाँ पे है साहब। तो आप तेलंगाना पुलिस से क्या चाह रहे? प्रोटेक्शन होना बोल रहा हूँ साहब मैं। ठीक है सर।